नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन और मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सर्विस हीरो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना, अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो टी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए। दोस्तों, ये 2518 10 चक्का हाइवा ट्रक चेसिस, ये गाड़ी मेरा पास आया था इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर सब चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, जो ऑयल शाम जो ऑयल चेंबर बोला जाता उसका चेंबर नट 19 नंबर गुटी टी हैंडल से इसको ढीला किया। और उसके बाद देखिए नीचे में वो कंटेनर रखा हुआ है और उसमें इंजन ऑयल को डाउन कर रहा है। तो इंजन ऑयल डाउन करने के लिए टाइम लगता है। अभी इंजन ऑयल देखिए कंटेनर में घिर रहा। और दोस्तों, इसमें 15W40 CI4 इंजन ऑयल लगता है BS4 गाड़ी में। और इसमें BS4 25-18, 31-18, 28-18 हाइवा ट्रक सब गाड़ी में 21.5 लीटर इंजन ऑयल लगता है, 21.5 लीटर इंजन ऑयल डाला जाता है। तो दोस्तों, अभी इंजन ऑयल मेरा गिर गया। इसके बाद देखिए जो चेंबर नट, जो ऑयल शम का नट है उसको हम टाइट कर देगा। पहले हाथ से इसको टाइट करेगा, उसके बाद गुटी हैंडल लगा के फुल टाइट कर देगा। और जब ये ऑयल शम का नट मेरा टाइट हो जाएगा तो इसमें ऑयल डाल देगा इंजन में। कहीं ऊपर में टैपेट कवर, जो सिलेंडर हेड कवर, वहाँ से इंजन ऑयल डाला जाता है। उसमें इंजन ऑयल डालेगा 21.5 लीटर इंजन ऑयल। इसके बाद इंजन ऑयल डाला हो गया। तो अभी देखिए ये जो ऑयल फिल्टर जिसको मोबिल फिल्टर बोला जाता, इसको मोबिल फिल्टर खोलेगा। अरे देखिए टाटा ओरिजिनल फिल्टर है, वाटर सेपरेटर, और देखिए ऑयल फिल्टर और फ्यूल फिल्टर। इंजन ऑयल चेंज करने का टाइम ये सब करना पड़ता है। उसके बाद जो एयर फिल्टर भी खोल के देखेगा, अगर ख़राब रहेगा तो चेंज कर देगा, अच्छा रहेगा तो वही लगा देगा। तो अभी दोस्तों ये ऑयल फिल्टर देखिए, इसका पार्ट नंबर है, ये कमिंग्स BS4 का ऑयल फिल्टर है। इसको ऑयल फिल्टर को अभी फंसाएगा। देखिए अभी ऑयल फिल्टर को हाथ से फंसा दिया, उसके बाद जो फिल्टर क्लैंप है उससे हम टाइट कर दे रहा ऑयल फिल्टर। दोस्तों आप लोग भी इस प्रोसेस से ही काम करेगा। अभी देखिए ऑयल फिल्टर मेरा टाइट हो रहा, और ऑयल फिल्टर टाइट हो जाने का बाद फिर से हम देखिए ये वाटर सेपरेटर, इसको भी खोलेगा। इसका अंदर में एक फिल्टर है कागज का, उसको भी हम चेंज कर देगा। उसके बाद देखिए दोस्तों बाएं तरफ में आया, बाएं तरफ में आने के बाद देखिए ठीक हाई प्रेशर पंप और इशू का बीच में यहाँ पर एक फ्यूल फिल्टर है और डीजल फिल्टर, उसको भी हम चेंज करेगा। अभी देखिए जो डीजल फिल्टर है इसको हम खोल रहा, और डीजल फिल्टर खोल जाने के बाद फिर से हम नया डीजल फिल्टर व फ्यूल फिल्टर बोला जाता है उसको, इसको हम फंसाएगा। तो दोस्तों अभी ये फ्यूल फिल्टर को देखिए अभी खोल के बाहर निकल रहा है, इसको कहीं ऊपर से खोलेगा नहीं, ये नीचे से ही खोलता है। देखिए ये है फ्यूल फिल्टर खोला हुआ है, और फिर से इसमें नया फ्यूल फिल्टर को हम लगा देगा। देखिए ये फ्यूल फिल्टर को फिर से हम इसको फंसा रहा, वो फ्यूल फिल्टर आपको दिखाई दे रहा। फ्यूल फिल्टर फंस जाने के बाद इसका ऊपर का जो दो पाइप है, एक तेल आता है और एक तेल वहाँ से पंप में जाता है। देखिए अभी वो पाइप खोला हुआ, और यहाँ से फिट पंप को हम पंप करेगा तो टैंकी से फ्यूल आके फिल्टर में सबसे पहले भरेगा वाटर सेप्टर में, उसका बाद फ्यूल फिल्टर में जाएगा। और जब वहाँ से हवा निकल जाएगा उसके बाद तेल निकलेगा तो पाइप को लगा के और इसको पंप करके टाइट कर देगा, हार्ड हो जाएगा। देखिए अभी इसको पंप कर रहा, ये टाइट हो गया, और उसके बाद इसको टाइट कर देगा। देने के बाद में फिर से हम पुश चाबी ऑन करेगा इंजन को, और पुश चाबी ऑन करने के बाद फिर से इंजन को हम स्टार्ट करेगा। देखिए अभी पुश चाबी हम ऑन कर रहा, अभी पुश चाबी मेरा ऑन हो गया, अभी इंजन को हम स्टार्ट करेगा। इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद फिर से और एक बार मोबिल फिल्टर
इसको ऑयल फिल्टर बोला जाता है, फ्यूल फिल्टर, ये सब को हम बढ़िया से ठीक कर लेगा और ऑयल गिर जाती है फ्यूल फिल्टर से लीकेज हो रहा करें वो भी हम सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन अभी मेरा इंजन स्टार्ट है और ठीक करने का बाद मेरा ठीक स्टार्ट करके ऑयल फिल्टर फ्यूल फिल्टर सब कुछ हम चेक कर लिया, सब ठीक है। अभी हम गाड़ी को बंद करेगा, इंजन स्टॉप कर देगा, उसका बाद ड्राइवर का आदमी हम गाड़ी हैंड ओवर कर देगा। दोस्तों आप लोग भी 25-18, 31-18 BS4 कोई भी गाड़ी का अगर इंजन ऑयल चेंज करना रहेगा तो इसमें ऑयल फिल्टर फ्यूल फिल्टर इंजन ऑयल इस प्रोसेस से ही चेंज किया जाता है।